असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल अर्निंग टेक्निक्स। आज इस वीडियो में मैं अपने चैनल की कुछ सेटिंग करने जा रहा हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये सेटिंग्स जैसे आप थंबनेल पर पढ़ के आ रहे हैं, पीछे से आपने देख लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको एक किस्म की सीईओ कराने जा रहा हूँ। या फिर आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि जिससे आपकी वीडियो पॉपुलर होगी। सीईओ का बेसिकली मतलब ही ये है कि आपकी वीडियो पॉपुलर होगी। इसका नाम इस तरह रख के दिया गया है कि ये बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत सिंपल है। मैं भी काफ़ी दिनों से ये समझ रहा था और मैंने खुद आज इस पर इम्प्लीमेंट करना है। और मैंने कहा कि अपने दोस्तों को भी समझा दूँ। बेसिकली सीईओ में आपके पास, सीईओ तो एक पार्ट है, आपके पास टोटल वीडियो के चार एलिमेंट्स बहुत अच्छे होने चाहिए कि आपकी वीडियो जो है वो फेमस हो, आपका जो चैनल है वो ट्रेंडिंग में जाए और आपका अर्निंग जो है वो डबल से ट्रिपल हो। इसके बेसिकली चार पार्ट्स होंगे। पहला होता है हमारे पास टाइटल। टाइटल जो होता है वो हमने बहुत अच्छा लिखना होता है। फर्स्ट कहें कि एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि अब यूट्यूब की चैनल की सेटिंग करनी है, ठीक है। तो अब मैं फ्रॉम द व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा कि मैं उसका नाम क्या लिखूँ तो मेरी वीडियो मेरी उसके सामने आए। तो मैं यहाँ फर्स्ट करूँ थंबनेल टाइटल पे लिखता हूँ कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, और उसके बाद स्लैश डाल के हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल, ताकि किसी किस्म का भी आपकी ऑडियंस आए, वो वैसे इंग्लिश लैंग्वेज से हो या उर्दू लैंग्वेज से, वो आपकी वीडियो को ज़रूर ओपन करें। जो थंबनेल है वो हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है। बेसिकली जो हमारा थंबनेल होता है उसको हमने इस तरह तैयार करना होता है कि जो हमारा व्यूअर है उसको लाजमी उसको टच करना पड़े, वीडियो ओपन करनी पड़े, उसकी मजबूरी बन जाए। इस तरह का थंबनेल होना चाहिए। आप फर्ज करें कि एक वो बंदा जिसको जो एजुकेटेड नहीं है लेकिन वो उर्दू पढ़ लेता है, ज़्यादातर इस तरह के लोग पाए जाते हैं, तो एक वीडियो है जिसके ऊपर आप, आपकी फ़ोटो एक कॉर्नर में लगी हुई है, आप इंग्लिश में लिख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन नीचे आप उर्दू में, उर्दू लैंग्वेज जान करके इस वीडियो में देखें, तो वो व्यूअर जो उर्दू पढ़ सकते हैं सिर्फ, वो जो इंग्लिश में आपने उर्दू लिखी है वो तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन जो उर्दू लिखी है वो जरूर पढ़ पाएगा, वो पढ़ेगा इस वीडियो में देखें। अब वो बेचैन हो जाएगा कि इतना प्यारा थंबनेल तैयार किया हुआ है, इतना अच्छा टाइटल लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी अगर ये मैं वीडियो ओपन ना करूँ तो फिर मैं सोचते ही रह जाऊँ। वो व्यूअर वो वीडियो ऑन करेगा, उसकी मजबूरी बनेगी और वो वीडियो देखेगा। तो टाइटल इतना मुश्किल नहीं है लेकिन थंबनेल पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट वीडियो मैंने इसके ऊपर अपलोड किया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरे चैनल पर आके देख लें, आपको हर किस्म की वीडियोस मिल जाएंगी, फ्रॉम अर्निंग टेक्निक्स टू टेक्निकल वीडियोस, हर किस्म की वीडियो अवेलेबल है। आपको जो रिक्वायर्ड है आप देख सकते हैं। कुछ हमने मैंने प्लेलिस्ट में भी डाली हुई है कुछ जो वीडियोज हैं, क्योंकि उसके बाद इतना टाइम नहीं होता मैनेज करने का, तो वीडियो को मैं अपना जो ध्यान है सारा दे रहा हूँ। तो हमारे पास ये जब दो एलिमेंट अच्छे हो जाते हैं, तीसरी चीज़ हो जाती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप YouTube चैनल डैशबोर्ड, जिसको स्टूडियो डॉट यूट्यूब भी कहते हैं, अगर वहां से आप वीडियो अपलोड करते हैं, आपका थंबनेल जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, डिस्क्रिप्शन आपका जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन हर वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर। वो कैसे कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है कि आपकी वीडियो किस चीज़ पर है, ठीक है, आपकी डिस्क्रिप्शन ये बता रहा होता है कि इस वीडियो में क्या है। तो वो व्यूवर जो आपकी वीडियो देख रहा है वो इतनी देर वीडियो लगातार नहीं देख सकता, तो वो क्या करता है, वो आगे पीछे करता रहता है, वीडियो समझता रहता है, साथ वो डिस्क्रिप्शन पे उसकी नज़र पड़ती है। अगर वो आपने फ्रॉम चैनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिप्शन लिखी होगी तो वो इतना खास उसके लिए अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर आप फ्रॉम द वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और वो उससे पढ़ेगा। जितनी देर वो पढ़ने में स्पेंड करेगा, क्या पता वीडियो खत्म हो जाए फिर रीप्ले स्टार्ट हो जाए, तो आपके व्यूज बढ़े, आपका जो वॉच टाइम है वो इंक्रीज हो और जो आपका व्यूअर है वो वीडियो पर स्टे करे, तो ये आपकी अर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका चैनल की कामयाबी के लिए बहुत चीज, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तीसरी, ये तीन चीज़ें तो हम वो हैं जो करते हैं लेकिन इतना अच्छे लेवल की नहीं, आप भी कोशिश करें और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा, पहले से ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाऊंगा
और चौथी चीज सीईओ। स्टार्ट करते हैं अभी से बिना टाइम वेस्ट किए, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली होती क्या है। सीईओ बेसिकली एक आपके पास आ जाती है एप्लीकेशन जिसको आप कहते हैं ट्यूब बड़ी, तो वो आप इंस्टॉल करते हैं, उससे आप एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स, टैग्स किस तरह लगाने हैं। मुझे भी बहुत मसला होता था, मैं भी आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। टैग्स अगर नहीं होंगे तो वीडियो आपकी पॉपुलर नहीं होगी, लिख के रखवा लें। आप कहते हैं अगले साल मैं तो नया यूट्यूबर हूँ, मेरी वीडियो तो कहाँ फेमस होनी है, जो पुराने 2-3 साल पुरानी वीडियोस को भी आप देख लें तो वो फेमस होती हैं। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं किया कि आप वो वीडियो सर्च करके जाते हैं। आप कहते हैं कि ये चैनल 3 साल पहले इसने 4 वीडियोस अपलोड की, तो उसके बाद इसने की नहीं, लेकिन उसके ऊपर लाखों व्यूज आए होते हैं। उसकी क्या वजह होती है? उसने टैग्स लगाए होते हैं। टाइटल बेसिकली जो होता है वो आपको वीडियो के बारे में बता रहा होता है, लेकिन वीडियो को रिसर्च में नहीं लाता। रिसर्च में लाने के लिए आपको टैग्स लगाने पड़ते हैं, डिफरेंट टैग। वो अगर आप एग्जाम्पल लें हाउस की, तो आपने हाउस सेल करना है, आपने हाउस नंबर 9 लिखाया हुआ है, वो उसका नेम है, उसका आपने एड्रेस लिखवाया कि ये नंबर स्ट्रीट है, ये कलोनी है। लेकिन बार अगर आप वो एक किस्म के आप समझ लें फ्लैग लगा देते हैं कि ये इसकी प्राइस है, एक फ्लैग पे लगा देते हैं, दूसरे फ्लैग पे आप लगा देते हैं इतने मंजिल है, तीसरे फ्लैग पे लगा देते हैं इतने रूम्स हैं, चौथे पे कितने किचन हैं, कितने स्टोर रूम्स हैं, क्या कुछ इसके फीचर्स हैं, वो सारा कुछ अगर आप फ्लैग लगाते हैं उसको आप टैग कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टैग नहीं होंगे तो कुछ समझ नहीं आएगी, कोई वीडियो रिसर्च में नहीं जाएगी। तो बेसिकली सीईओ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, एक कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए। लेट गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं, यहाँ से हम गूगल क्रोम जो है वो ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम अब सेटिंग्स में जो 3 डॉट्स हैं वहाँ पर जाएंगे, यहाँ से हम सेटिंग पे जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद नीचे एक एक्सटेंशंस लिखा हुआ है उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा ट्यूब बडी है लेकिन आपके पास नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे कि हम अब न्यू टैब ओपन करेंगे। ये देखें, ये न्यू टैब का ऑप्शन है हमारे पास। न्यू टैब पर आ गए, यहाँ पर हम सर्च करेंगे ट्यूब बडी। ट्यूब बडी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आप रिसर्च कर लेंगे। ये फर्स्ट वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ से आप इसको इनेबल कर लेंगे या क्रोम में ऐड कर लेंगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इससे नहीं हुआ तो आप दूसरे से कर लें, डिफरेंट वेबसाइट है। ट्यूब बडी जो है वो आप ऐड करेंगे अपने क्रोम में, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, सिंपली वो वहाँ पे क्रोम के साथ ऐड कर देंगे आपका। तो वो आने के बाद यहाँ पर आपके पास ट्यूब बडी आ गया, और इसको आप ओपन ऑन कर देंगे, ब्लू कलर का निशान जो है ता, और ये देखें आप यहाँ पे एक्सटेंशंस आपकी लिखी हुई हैं कि इसमें आपका जो ट्यूब बडी है वो भी ऐड हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर बैक जाते हैं, और यहाँ से हम जो हमारा काम है वो यूट्यूब पर, क्योंकि हमने यूट्यूब पर जो वीडियो है वो अपनी फेमस करनी है, ट्रेंडिंग में लेकर आनी है। यहाँ पर अब हम रिसर्च करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ टू मेक अ थंबनेल, ठीक है। तो ये हम रिसर्च करते हैं, अब हमने थंबनेल पे वीडियो बनानी है अपनी, लेकिन हम जो टैग्स हैं वो दूसरों के उठाएंगे, क्योंकि इनकी जो टैग्स हैं इसके ऊपर रिसर्च आ रही है ऑडियंस की, तो हम भी सेम टैग्स इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी जो वीडियो वो भी रिसर्च में जाए और हमारी जो वीडियो वो भी टॉप पर आए। तो इसके लिए हमने वीडियो स्टार्ट की है, और ये देखिए साइड पर लोडिंग स्टार्ट हुई है, और ये ट्यूब बडी ने अपना काम दिखा दिया। और यहाँ पर आप बेसिकली दिखा रहे हैं इतने व्यूवर्स हैं, इतने कमेंट्स, इतने लाइक्स, और क्रिएटर सजेशन सीईओ स्कोर 95% बहुत अच्छा है, और व्यूज़ इतने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, और वीडियोस इतनी हैं। तो ये हमारे पास टैग्स हैं, बेसिकली यही चीज़ जो थी हमने फाइंड करनी थी। यहाँ पर हम नीचे जो ऑप्शन हमारे पास ब्लू कलर में आ रहा है शो सर्च रैंकिंग, तो उसको भी हम ओपन करते हैं, ये देख लें एक बार सारा कुछ, ये सारे टैग्स वगैरह हमारे पास हैं। तो अब हम उसको ब्लू कलर को जो है वो क्लिक कर लेते हैं, और हम इसकी रैंकिंग देखेंगे। तो जो जिनकी रैंकिंग अच्छी होगी वो आप ऐड कर लेंगे, और जिनकी रैंकिंग अच्छी नहीं होगी वो आप ऐड नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो जो रिसर्च में आएगी, आप डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज़ आप यूट्यूब पर और वीडियोस देखें जो आपको अच्छी लगती हैं, टॉप पर आती हैं, उनके भी आप टैग्स रैंकिंग देखें उनकी, और ये सारा जो आपके सामने इंटरफेस आ रहा है अगर बहुत अच्छा हो तो वो आप टैग उठाएं और अपनी जो चैनल है उसके ऊपर अपलोड करें। तो बेसिकली हमारी यही वीडियो थी कि जिसमें मैंने
आप यूट्यूब की वीडियोस को कैसे फेमस कर सकते हैं, ये वो मैंने तरीका बताया कि जिससे अच्छा कोई तरीका है नहीं। ये वो तरीका है कि जो हर कामयाब यूट्यूबर इस्तेमाल करता है और इससे फ़ायदा उठाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। कोई मसला आ रहा है तो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसको बेहतर करूँगा और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊँ। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।